हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लायर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज के क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस जो रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं हम उनका भी डिस्कशन कर लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे आगे और हमारे पास डिफरेंट टाइप के अगर क्वेश्चंस हैं तो हम उनको भी साथ साथ में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करेंगे। और हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, जिसमें कहता है कि इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉल्स शॉर्ट बाय रुपीज 500 करोड़। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अचीव दी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इफ 80% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो घट जाता है 500 करोड़ से। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जो ज़रूरत है इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम लेवल को फिर से अचीव करने के लिए, अगर 80% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम खर्च किया जाता हो कंजम्पशन पे। तो काफ़ी टाइम हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं। मतलब हमें ये तो पता लग गया यहाँ पे कि 80% ऑफ इंक्रीज इनकम खर्च हो रहा है किस पे, कंजम्पशन पे। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है। 80% ऑफ इंक्रीज इनकम का मतलब हुआ 0.80%, नहीं बोलेंगे, 80% का मतलब हो गया 0.80 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ओके, अब बड़ी आसानी से विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम मल्टीप्लायर का वैल्यू निकाल लेंगे। द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर इज 1/1 - MPC। नाउ 1/1 - 0.8, ठीक है, तो हो जाएगा 1/0.2। मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया हमारा कितना, 5। देखा हमने किस तरह से मल्टीप्लायर का वैल्यू सॉल्व किया। अब हमें और क्या पता है, तो वी ऑल्सो नो द अनदर फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर, दैट इज के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोलता है। इंक्रीज इन इनकम जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहता है कि लेवल ऑफ इनकम जो है वो घट रहा है 500 करोड़ से। अब यहाँ पे ये 500 करोड़ जो है ये चेंज को बतला रहा है। ओके, तो डेल्टा वाई हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 500, और मल्टीप्लायर का वैल्यू हमने निकाल लिया है, दैट इज 5। तो यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट निकालना चाहें इस फॉर्मूले से, जहाँ पे के बराबर डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई है, तो देखो तो निकल आएगा के इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई कितना है,
500 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो तो 5 इंटू डेल्टा आई बराबर 500 एंड डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 500 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 100 करोड़। कितना आ गया, डेल्टा आई आ गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज होना है वो कितने से होगा, 100 करोड़ से। और देखो आपका आंसर भी यही है क्योंकि क्वेश्चन में कह ही रहा है कि बताइए इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की कितनी ज़रूरत है इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, और इकोनॉमी को 100 करोड़ की ज़रूरत है इकोनॉमी अचीव करने के लिए, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो अचीव करने के लिए। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से जो भी क्वेश्चन अवेलेबल हो, हम उस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो उसकी मदद से अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको बस ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में किस तरह के इंफॉर्मेशन जो है वो दिए हुए हैं और क्या पूछा जा रहा है, बस इसके अलावा आपको और कुछ करना ही नहीं है। बाकी फार्मूला तो आपको याद रखना ही होगा, बिना फार्मूले के तो आप काम नहीं कर पाओगे। चलो इसी तरह से हम और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कंप्लीट प्रैक्टिस जो है वो हमारा हो जाए और हम किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है, बोलता है इन एन इकोनॉमी the equilibrium level level of income is rupees 12,000 crore the ratio of marginal propensity to consume and marginal propensity to save is 3:1. Calculate the additional investment needed to reach a new equilibrium level of income of ₹20,000 crores। देखो जरा ध्यान से हम लोग पहले सवाल को पढ़ेंगे क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें हैं गिवन, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखें कि कह रहा है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है इकोनॉमी का वो है गिवन एंड दैट इज 12,000 करोड़। सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि भाई गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है हमारा जो कि है 12,000 करोड़। फिर कहता है
कि जो रेशियो है इकोनॉमी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का, वो 3:1 का है। तो हम ना यहाँ पे रेशियो देखते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का जो रेशियो है वो 3:1 का है। अकॉर्डिंगली हम रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, तो 3:1 यानी कि MPC बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। MPC 3 है, MPS 1 है, और MPS बराबर हो जाएगा 1/4। ओके, इसको हम डेसिमल में निकाल लेते हैं। 3/4 को हम 0.75 भी कह सकते हैं और 1/4 को हम 0.25 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा MPC और MPS आ गया। अब हम मल्टीप्लायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, चूंकि MPC और MPS दोनों हैं तो MPS से निकाल सकते हैं। 1/MPS का वैल्यू कितना है, 0.25, तो 0.25 मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, 4। अब देखो मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोगों को क्या मालूम है कि मल्टीप्लायर जो है इट इज ऑल्सो चेंज, दैट इज ऑल्सो शोज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है क्या क्या, तो क्वेश्चन में हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है चेंज इन इनकम। कैसे दिया हुआ है चेंज इन इनकम, तो वो तुम्हारा एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, बट हम उसको निकालेंगे। बोलता है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है 12,000 करोड़, और इकोनॉमी में न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो है 20,000 करोड़। तो जब हमको चेंज निकालना होगा चेंज इन इनकम, तो वो हम क्या करके निकाल सकते हैं, न्यू इक्विलिब्रियम इनकम माइनस ओल्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विच इज 8,000 करोड़। तो चेंज इन इनकम आ गया है। अब चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकलेगा, मल्टीप्लायर का वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या करें, के बराबर 4, डेल्टा वाई बराबर 8,000, एंड डेल्टा आई को एज इट इज रहने देते हैं बिकॉज वही कैलकुलेट करना है। इसको तुम सिंपली सॉल्व करोगे तो डेल्टा आई बराबर आ जाएगा 2,000 करोड़। क्वेश्चन में पूछ ही रहा था कि बताइए एडिशनल इन्वेस्टमेंट जिसकी ज़रूरत इकोनॉमी को पड़ेगी न्यू इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए, तो कितने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत इकोनॉमी को पड़ेगी। तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और सॉल्व करके जब निकाला तो आंसर आता है 2,000। तो इस तरह से 2,000 करोड़ के एडिशनल इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे वापस से आ जाएगी इन दिस क्वेश्चन। आप देख रहे हो जिस तरह से भी दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में एमपीसी या एमपीएस दिया रहेगा और इनकम या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ रहेगा, कुछ भी एक इन्फॉर्मेशन रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, तो आप मल्टीप्लायर निकाल लोगे। मल्टीप्लायर का कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, चाहे एमपीसी से रिलेटेड हो चाहे एमपीएस से रिलेटेड हो, और फिर उस क्वेश्चन को हम क्या करें, सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लायर के फॉर्मूले को लगाते हुए। इस तरह से मल्टीप्लायर से रिलेटेड हम अब काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर ही चुके हैं। एक दो और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिनिश ही करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए MPS एंड मल्टीप्लायर दैट इज के फ्रॉम द
फॉलोइंग डेटा, जिसमें इनकम है रुपीस में और सेविंग्स भी है गिवन ऑल्सो इन रुपीस. इनकम दिया हुआ है 100 और 200, सेविंग्स दिया हुआ है 40 एंड 100. तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट कीजिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा. तो यहाँ पे जो भी डेटा गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग कैसे निकाल सकते हैं MPS और MPC. तो देखो इट्स बहुत सिंपल है ये. आप क्या करो, इसको कॉलम वाइज ही बना करके बता सकते हो. आप एक तरफ आप इनकम ले लो, सेविंग्स ले लेंगे हम, फिर हम चेंज ले लेंगे इनकम में और चेंज ले लेंगे हम सेविंग्स में. चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग. उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. अब देखो कैसे निकलेगा यहाँ पे. तो सबसे पहले तो इनकम दिया हुआ है क्वेश्चन में जो कि 100 है और 200 है. सेविंग्स दिया हुआ है जो कि कितना है, 40 है और फिर 100 है. चेंज इन इनकम यहाँ पे कुछ नहीं बिकॉज इसे प्रीवियस का पता नहीं है हमें. बट अब हम चेंज इन इनकम निकाल सकते हैं 100 टू 200 कितना, 100 का. ठीक उसी तरह से चेंज इन सेविंग निकालेंगे तो इनिशियली जो है वो हमारा कितना होगा. तो इनिशियली जो सेविंग्स है वो तो कुछ नहीं होगा बिकॉज इससे पहले का सेविंग नहीं गिवन है. लेकिन अब 40 टू 100 जो हुआ है सेविंग्स, चेंज कितने का हो रहा है, 60 का. MPS कैसे निकलता है, डेल्टा S बाय डेल्टा Y, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम. तो इनिशियली तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं, बट हाँ अब निकल सकता है जहाँ पे 60 अपॉन 100 करेंगे तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा जो कि है 0.60. और जब हम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालेंगे तो मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लायर बराबर होता है 1 अपॉन MPS. तो यहाँ नहीं कुछ बट यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 0.60. इसको सॉल्व करोगे 0.6 ही होगा, एक एक जीरो तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा. तो 0.635 कितना हो जाएगा, 1.67, इट इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. तो हमारा इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है जहाँ इनकम है सेविंग्स है, तो क्या किया हमने, चेंज निकाल लिया इनकम का, चेंज निकाल लिया सेविंग्स का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकाला और मल्टीप्लायर का फार्मूला उसी तरह से यूज़ कर लिया. मान लीजिए इनकम होता, कंजम्पशन होता, तो हम सेम काम करते, चेंज इन इनकम निकालते, चेंज इन कंजम्पशन निकालते और फिर क्या करते, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल लेते और उसकी मदद से हम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकाल लेते. तो इस तरह से हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके मल्टीप्लायर से रिलेटेड सॉल्व कर लिए हैं. मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चन में किस तरह का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन क्या होगा, फार्मूला क्या यूज़ करेंगे. बस आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लायर के कुछ फार्मूलाज जो हैं, जिसको आपको बिल्कुल लाइक कंठस्थ कर लेना कहते हैं, जिसको वो आपको कर लेना है. क्योंकि जब तक आप वो सारे फार्मूलाज याद नहीं कर लोगे तब तक आप मल्टीप्लायर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. उसके अलावा आपको एडिशनल कुछ भी नहीं याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें तो क्वेश्चन में जैसी गिवन होंगी उसी के अकॉर्डिंग आप यूज़ करोगे. तो इस तरह से हम इतने कुछ क्वेश्चंस के साथ मल्टीप्लायर को यहाँ पे फिनिश करेंगे. और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो हम लोग देख लेंगे. अगर ज़रूरत पड़ती है आप जैसा मैसेज कर सकते हो, अगर ज़रूरत है आप कहोगे तो और भी क्वेश्चंस का सलूशन जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे. फिलहाल इतना रहने देते हैं और एक बार और मल्टीप्लायर के अंदर, मल्टीप्लायर से रिलेटेड हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं वो हम देख लेते हैं. आपको जो जो भी फार्मूला याद रखना है वो मैं आपको एक साथ यहाँ पर बतला देती हूँ कि आपको कौन कौन से फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी न्यूमरिकल क्वेश्चंस करते वक्त. सबसे पहला फॉर्मूला K बराबर डेल्टा Y
बाय डेल्टा आई, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये होगा। एक और फार्मूला है के बराबर 1/(1 - MPC), ये फार्मूला भी आपको याद रखना होगा। इसी से एक और फार्मूला हमने देखा के बराबर 1/(MPS), ये फार्मूला भी आप याद रखोगे। इस तरह से इतने कुछ फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे। एंड थ्रू आउट द यूनिट की हम बात करें कि पूरे यूनिट में हमने एक और क्या क्या याद रखना है, तो आप याद रखना AD बराबर C+I, AS बराबर C+S, ठीक है। इसी तरह से आप और भी चीज़ें याद रखोगे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कंजम्पशन के बराबर होगा हमेशा, सॉरी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग्स के बराबर होगा हमेशा। इक्विलिब्रियम के लिए आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में दिया रहे इक्विलिब्रियम, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम पर AD AS के बराबर होता है, जिसके कारण सप्लाई सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे के बराबर होता है। तो इस तरह के कुछ बेसिक फार्मूलाज जो हमने इस पूरे यूनिट में डिस्कस किए हैं वो आप याद रखोगे, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारे बचे हुए टॉपिक हैं जिसको हम अलग चैप्टर भी कंसिडर कर सकते हैं इस यूनिट में, बट एक ही यूनिट रहने दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड से रिगार्डिंग हमें टॉपिक कवर करने हैं, जिनको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और फिर ये यूनिट फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।